पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से एक अच्छी खबर आ चुका है। किसानों के अकाउंट में 1 जून से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन किसानों के अकाउंट में पैसा आएगा और कौन सा किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, पीएम किसान के पोर्टल पर आ जाना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे पीएम किसान का पोर्टल। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके देखना होगा, बेनिफिशियरी स्टेटस में आपका क्या प्रॉब्लम बता रहा है, आपका पीएम किसान योजना का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो बेनिफिशियरी में किस तरह का ऑप्शन रहना चाहिए, तभी आपका पीएम किसान योजना का पैसा जो 1 जून से जो रिलीज करने वाला है, 1 जून को आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और ये जो कैप्चा देख पा रहे हैं इस कैप्चा को इस बॉक्स पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ओटीपी आ गया है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे बेनिफिशियरी स्टेटस खुल के आ गया। आने के बाद यहाँ पर आपका देखना होगा कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो करा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट शो करा और यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, जो आपका नाम होगा और आपका फादर का नाम यहाँ पर शो करेगा और आपका एड्रेस यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर शो करेगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। और थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस पर भी देखना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लैंड सीडिंग एस लिखा हुआ और यहाँ पर ई केवाईसी एस लिखा हुआ और यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यहाँ पर एस लिखा हुआ और यहाँ पर लास्ट ई केवाईसी कब हुआ था यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 27/2022 लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या काम करना होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देख पा रहे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। एफटीओ प्रोसीड यहाँ पर एस होना चाहिए और पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस नहीं है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं कि 1 जून को कौन किसान के अकाउंट में पैसा आएगा, जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट जो 27 फरवरी 2023 को जो भेजा गया था उस टाइम भेजा नहीं गया, उसका पीएम किसान योजना का पैसा उनको पैसा देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 14वां इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस अभी तक चालू नहीं किया गया है, बहुत किसानों का बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका बेनिफिशियरी स्टेटस में 13वां इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस आ गया है, तो वैसे किसानों का अकाउंट में पीएम किसान योजना का पैसा आने का पूरा संभावना है। तो वैसे सभी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना का पैसा 1 जून से आना स्टार्ट हो जाएगा किसानों के अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपका कितना इंस्टॉलमेंट आया हुआ है और उसके बाद का इंस्टॉलमेंट यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद यहाँ पर जो आपका प्रोसेस आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी आपको देख लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका यहाँ पर प्रोसेस शो कर रहा है तो 1 जून से पैसा आने का संभावना आपका भी हो सकता है। पीएम किसान योजना का पैसा रिलीज करने का घोषणा अभी तक सरकारी अधिकारी की तरफ से अभी तक नहीं मिला है, ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है। जिनका भी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आ चुका है उसका पीएम किसान योजना का पैसा 1 जून से मिलने का संभावना जो है लगभग 99% जो है चांस है कि उसका पीएम किसान योजना का पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो जिनका भी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे कि क्या आपका प्रॉब्लम आ रहा है और कब से प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आप लिखेंगे तो आपका रिप्लाई देने में हमको सही रहेगा, तो आपको रिप्लाई जो हम देंगे वो आपका सटीक रिप्लाई हो पाएगा। तो वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।